सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डीएफएस के बारे में जानेंगे कि डीएफएस होता क्या है, इसे यूज क्यों करते हैं और डीएफएस का पर्पस क्या है बेसिकली। तो विंडोज सर्वर में एक एड ऑन फीचर होता है, ये सर्वर एक रोल होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ूँ तो ये एक रोल है विंडोज सर्वर के बारे में, जो कि आपको शेयर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए किसी भी, मतलब कि अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे, वो शेयर फोल्डर है, अगर आप चाहते हो कि आप उसे एक लोकेशन पे एक्सेस करो, सपोज करो आप गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, मतलब गुड़गांव में हो और सर्वर फाइल आपने जो है पहले नोएडा में भी क्रिएट किया हुआ है, नोएडा के सर्वर में, और दिल्ली के सर्वर में आपने क्रिएट किया है, तो आप चाहते हो कि उसे गुड़गांव के सर्वर में यूज करो। तो डीएफएस इस काम को आसान बनाता है, आप एक ही सर्वर पे जितने भी शेयर फोल्डर हैं लोकेशन के हैं वो आप सारे एक्सेस कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो डेफिनेशन जो कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का डेफिनेशन जो कहा जा रहा है कि एक सर्वर रोल है विंडोज सर्वर, दैट इज एनेबल यू टू ग्रुप शेयर्ड फोल्डर लोकेटेड इन डिफरेंट सर्वर इनटू वन लॉजिकल स्ट्रक्चर नेम स्पेस। इसे नेम स्पेस दे दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल सर्वर को आप सिंगल, मल्टीपल सर्वर शेयर फोल्डर को आप एक सिंपल शेयर फोल्डर पर एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब कि वर्क फ्लो कैसे होता है, डीएफएस काम कैसे करता है। तो एक सिंपल मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। सपोज करो ये एक शेयर, ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, एक तीसरा सर्वर है। ये जो सर्वर है गुड़गांव में है, ये सर्वर जो है दिल्ली में है और ये सर्वर नोएडा में है। तो आपने एक फोल्डर बनाया गुड़गांव के सर्वर पे, इसका नाम आपने डाल दिया शेयर 22, इसका नाम आपने डाल दिया शेयर 16, इसका नाम आपने कर दिया शेयर 19। और जैसे कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कि ये आपका सेम नेटवर्क में होना चाहिए, मतलब कि ये डीएससीपी से इनेबल्ड होने चाहिए अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हो। तो यहाँ पे मैंने सबका आईपी एड्रेस भी सेम डाला है, जो आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो यूजर है, आप चाह रहा है कि मुझे शेयर 22 फोल्डर एक्सेस करना है, तो वो सिंपल जाएगा कंट्रोल पैनल पे, मतलब रन बॉक्स में ये पाथ टाइप करेगा 192.168.22, ये टाइप करेगा तो ये जो है ये ओपन हो जाएगा। अब चाह रहा है कि ये इसे एक्सेस करे, तो इसे एक्सेस करने के लिए फिर ये इस आईपी को डालेगा, इस आईपी को डालने के बाद ये शेयर 16 ऐड कर पाएगा। और अब चाह रहा है कि ये नोएडा के एक्सेस को करे, नोएडा का सर्वर एक्सेस करे, तो उसमें भी इसने क्रिएट कर रखा है सर्वर जो शेयर 19 फोल्डर शेयर किया हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आइए आईपी एड्रेस डालेगा 19। तो इसका यहाँ पर ये हो रहा है कि इसे हर सर्वर को एक्सेस करने के लिए तीन तीन आईपी एड्रेस डालने पड़ रहे हैं। सपोज करो कि एक यूजर है जिसके पास 10-15 सर्वर हैं, 10-15 सर्वर पे उसको सारे फोल्डर एक्सेस करने हैं, तो वो हर आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे पासवर्ड भी डालने पड़ेंगे इसके साथ, और सबका पासवर्ड भी पॉसिबिलिटी नहीं कि सेम हो। तो डीएफएस ने यहाँ पर क्या किया कि एक पर्टिकुलर सर्वर को ही उसने डीएफएस सर्वर बना दिया, मतलब कि एक मेन पेरेंट सर्वर होता है जिसको उसने डीएफएस बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक यूआरएल ऐड करेगा, मतलब एक पाथ, इसका जो ये पाथ है मतलब 22.22, सिर्फ ये एक्सेस करेगा और ये जितने भी फोल्डर हैं ये सारे फोल्डर एक पर्टिकुलर, यहाँ इस मतलब सर्वर 22 में एक पर्टिकुलर फोल्डर बन जाएगा और जितने भी शेयर फोल्डर है वो सबका लिंक उस फोल्डर में चला जाएगा और वो फोल्डर वो एक सिंपल एक ही पाथ के थ्रू वो एक्सेस कर पाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इतने ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, तो उसने यहाँ पे सिर्फ एक पाथ एक्सेस किया .22 और ये जितने भी शेयर फोल्डर हैं उसको सबका सब यहाँ पे उसे एक्सेस हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे कॉन्फिगर करोगे, इंस्टॉल करोगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ठीक सबसे है, पहले तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वर्स पे चलते हैं। जो हमारा सर्वर होगा, जो हमारा पेरेंट सर्वर होगा, वो होगा सर्वर 22। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोबारा हाइपरव्यू ओपन कर लेता हूँ। तो सर्वर 22 आपका पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे तीन शेयर फोल्डर मत क्रिएट करेंगे, 19 पे 16 पे और 22, तीनों को हम इस यूजर से एक्सेस करवा के देखेंगे कि वो एक बार में यूज कर पाता है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, क्या क्या डोमेन है। ये roshan.com पे है, इसका एक कोई शेयर फोल्डर बना हुआ है नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक शेयर फोल्डर बना रखा है शेयर 22 के नाम पे। शेयर 22 में टेस्ट 22 है, ठीक है, उसमें तो डेटा भी है, मैंने बना दिया है।
एक बार ये चेक कर लेता हूँ। जैसे कि इसको मैंने पूरा एक्सेस दिया था, तो मैं इस यूजर को ही उठा लेता हूँ। मैं लॉग करता हूँ ncpa.cpa करते हैं, तो इसको देखते हैं डोमेन सेम है या नहीं है। 192.16 है इसका, ठीक है, आई थिंक एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। 192.168.0.22 और 22, ओके, बात गलत है। यहाँ पे ये एक्सेस कर पा, ठीक है, ये मैंने 422 पे बनाया था। अब मैं 16 पे चलता हूँ, 16 पे देखते हैं। पहले देखते हैं इसका कोई शेयर फोल्डर बनाया हुआ है, नहीं है। एक शेयर फोल्डर बना देते हैं, शेयर 16 के नाम पे बना देते हैं इसे, ठीक है। इसको हम जल्दी से जल्दी इसका एक्सेस दे देते हैं। ओके ओके क्लोज। यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं टेस्ट 16, सेव कर दिया मैंने। अब इसको देखते हैं डोमेन में है नहीं। पहले ये अभी रेमंड.com डोमेन में शो हो रहा है, इसका हमें डोमेन चेंज करना होगा पहले, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि आपका जो सर्वर है सभी सेम डोमेन में होना चाहिए। तो हमारा ये जो पेरेंट वाला जो था, ये जो है रोशन डॉट कॉम पे है, ठीक है। तो 16 भी जो होगा उसी के नाम पे होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। ये पासवर्ड जब आपने ईडी इंस्टॉल किया होगा 22 में, तो वहाँ पर ये पासवर्ड मांगता है, तो वो ये पासवर्ड है बेसिकली। हो गया, ओके ओके, रिस्टार्ट कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं 19 पे, 19 पे पहले देख लेते हैं शेयर फोल्डर क्रिएटेड है नहीं है। कोई शेयर फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, शेयर 19 करते हैं, नया टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। टेक्स्ट फाइल बनाया, टेस्ट 19, ये हमने इसमें एंट्री भी कर दी, सेव कर दिया, लेकिन कुछ शेयर नहीं किया। शेयरिंग प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। एडवांस शेयर पे गए, परमिशन, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये मैंने शेयर बना दिया, मैंने कर दिया। अब इसका हम चेक करेंगे कि ये सेम डोमेन में है ना। सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर, इसमें देखते हैं। ओके, ये वर्क ग्रुप में है, इसको चेंज कर देते हैं हम, रोशन डॉट कॉम पे होना चाहिए। हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका 22 का है। जब आपने वहाँ पे ईडी इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन मांगता है कि वहाँ पासवर्ड डालो और यूजर नेम डालो, तो वो यही है। रिस्टार्ट नाउ, देखते हैं हमारा 19 स्टार्ट हुआ है नहीं, 16 स्टार्ट हो चुका है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है, बजा। इसको देखते हैं कि डोमेन में, रोशन डोमेन में आ गया ये। अब हमने क्या रिस्टार्ट किया था, 19 रिस्टार्ट किया था। This, 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 this.
ये हो गया। वो रोशन डोमेन में था, वो इसलिए नहीं दे रहा था वहां पर। और रोशन डोमेन तो अब एग्जिस्ट करता ही नहीं सर्वर पे। दिमाग कभी। ठीक है, जल्दी से जल्दी चेक कर लेते हैं। रोशन डोमेन में आ गया है, हमारे पास वो फोल्डर भी होना चाहिए, शेयर फोल्डर। ठीक है, आई थिंक वो है यहाँ पे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब हम चलते हैं मेन हमारा जो है 22 में। 22 में देखते हैं यहाँ पे Russian.com, यहाँ पे जाएंगे हम। EDDS इसमें इंस्टॉल है, तो अब हमें DFS इंस्टॉल करना है इसमें। तो DFS इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको ऐड रोल में जाना है, नेक्स्ट करना है। रोल बेस में जाएगा ये भी नेक्स्ट ही होगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा फाइल स्टोरेज एंड सर्विस में, इसे आप और एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर आपको दिएगा DFS। इसे इंस्टॉल करेंगे हम DFS रेप्लिकेशन जो है दूसरी वीडियोज में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेंथी वीडियो हो जाएगा। और जैसे कि मैंने 3 सर्वर यूज किया तो वीडियो इसकी वजह से लंबा हो रहा है। आप चाहे तो आप एक पेरेंट सर्वर ले सकते हैं और एक दूसरा सर्वर ले सकते हैं, और उसे क्लाइंट से आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करवा सकते हैं। रीस्टार्ट मैंने कर दिया है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। अब इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वैसे तो। सर्वर 19 है, सर्वर 16 हो गया। जो हमारा टेस्टिंग पर्पस के लिए काम आएगा हो रहा है। सो बेसिकली DFS यहाँ पर एक टाइम सेविंग फीचर हो रहा है यहाँ पर, कि आप किसी भी 10 10 12 सर्वर पर एक्सेस ना कर किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पर एक्सेस करो और फिर आप उसे यूज करो। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, DFS हो गया। अब आप यहाँ पे इसे एक्सेस करो। DFS को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे DFS मैनेजमेंट में जाना होगा। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब थोड़ा सा ये जो है ध्यान देने वाला पार्ट है, यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले एक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे। मतलब लोग जो इनिशियल पाथ होता है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम उस सर्वर का नाम देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बोल रहा है ये बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द सर्वर दैट विल होस्ट द नेम स्पेस द सर्वर यू स्पेसिफाई विल बी नोन एज नेम सर्वर। तो यहाँ पे उस होस्ट का नाम देना है जहाँ पर आपका जो है सर DFS इंस्टॉल है। तो DFS मैंने पैरेंट बनाया है सर्वर 22 को, तो इस पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे जो है वो शेयर फोल्डर की बात कर रहा है, वो जिस शेयर फोल्डर में सारे मतलब जितने भी सर्वर के जो शेयर फोल्डर हैं वो एक पर्टिकुलर शेयर एक फोल्डर में एक्सेस होंगे, तो वो यहाँ पर वो क्रिएट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं शेयर 22 डाल देता हूँ, शेयर 10 फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, इसका हम पूरा परमिशन दे देंगे कि जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एक सी ड्राइव में एक शेयर फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पर ये एक फोल्डर बन जाएगा, शेयर फोल्डर बन जाएगा ये। और इसी फोल्डर में जितने भी हमने जो जितने भी दोनों या तीनों सर्वर में शेयर फोल्डर बनाए हैं वो सारे फोल्डर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे इसे हम, ये एज इट इज रहेगा, डोमेन बेस्ड है। यू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी नेम स्पेस बाई यूजिंग मल्टीपल वर्केशन। ठीक है, क्रिएट करते हैं, इट इज डन। तो हमारा शेयर फोल्डर बन गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ शेयर फोल्डर कहाँ बना हुआ होगा। सी, ये जो है ये बन गया। तो इसके अंदर जो है सारे, अभी इसमें देखो आपको कोई भी फोल्डर नहीं दिख रहा हुआ, तो हम तीनों का फोल्डर वन बाय वन इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये जो फोल्डर है ये भी इसमें ऐड होगा, जो
16 का फोल्डर है वो भी इसमें ऐड होगा, और जो 19 का फोल्डर है, जो फोल्डर है वो भी इसमें ऐड होगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके 22 में। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर ऐड करेंगे, जो फोल्डर जो हमारा होगा, आप यहाँ पे कोई भी एक रेंडम फोल्डर दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 22 को ही ऐड कर रहा हूँ, 22 का जो शेयर फोल्डर है वो ऐड कर रहा हूँ मैं। तो शेयर अंडरस्कोर 22 अंडरस्कोर टेस्ट ऐड करेंगे, ब्राउज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फोल्डर है आपका, ये तो हमने बनाया था अभी यहाँ पर, ये तो अपना मेन फोल्डर हो गया। यहाँ पर शेयर और ये वाला नहीं डालेंगे हम, शेयर 22 डालेंगे। तो ये आपका फोल्डर दिख गया 22 वाला। ओके करोगे, ओके करोगे तो ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फोल्डर, ये जो फोल्डर है शेयर 22 का, वो इसमें भी शो हो जाएगा। ये आ गया, इसका ये पाथ आ गया, ये फोल्डर ऐड नहीं हुआ, इसका पाथ यहाँ पर ऐड आ गया, पाथ ऐड हो गया। अब हम 19 को ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या डाला था, शेयर 19 अंडरस्कोर टेस्ट, ओ मतलब मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ऐड करेंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, फाइंड ऑल करेंगे। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, क्यों नहीं आ रहा थी। ठीक है, जब यहाँ पे आप ब्राउज कर रहे थे तो आपको सिर्फ ये दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है फोल्डर 20 सर्वर 22 दिख रहा है, तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो लोकेशन चेंज करने के लिए एडवांस पे जाओगे आप, या फिर आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। टाइप करने से अच्छे क्या पे थे, फाइंड ही कर लो। तो हम 19 ऐड कर रहे हैं क्योंकि 22 ऐड कर लिया है। ओके करेंगे, इसमें आप देखा हमने यहाँ पे एक शेयर बोर्ड फोटो बनाया था 19 में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 19 का, ये हमने फोल्डर बनाया था, ठीक है। तो हम वापस 22 में जाएंगे, ये फोल्डर वहां पे शो हो रहा है। ओके किया, ओके किया, ओके किया, ये ऐड हो गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फोल्डर भी एग्जिस्ट हो गया है। अब यहाँ पे चलेंगे, तो अब आ गई बारी, आ गई हमारी 16 की, ठीक है। अब 16 का फोल्डर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, इसे हम डालेंगे शेयर अंडरस्कोर 16 अंडरस्कोर टेस्ट। यहाँ पे अब हमें वैसे ही ऐड करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज करना है, एडवांस पे, फाइंड पे, यहाँ पे आप 16 ऐड करो, 16 करोगे तो ये रहा 16 का फोल्डर। दोबारा दिखा देता हूँ मैं 16 का फोल्डर कहाँ गए, ये रहा। ठीक16 का फोल्डर यहाँ होना चाहिए मेरा, ये देखो 16 में ये हमने फोटो बनाया था, 22 में। ओके किया, ओके किया, ओके किया, तो ये हमारा बन गया फोल्डर, शेयर फोल्डर बन गया। अब यूजर को हम चेक करवाएंगे ये जो फोल्डर है, अब जो यूजर एक्सेस करेगा ना, वो इसे एक्सेस नहीं करेगा, वो यूजर जो डायरेक्ट एक्सेस करेगा वो इसे एक्सेस करेगा डायरेक्ट। और इसके अंदर सारे फोल्डर हैं, ये जितने भी परमिशन ग्रांटेड है, मतलब फुल्ली परमिशन ग्रांटेड है। तो अब चेक करते हैं, चलो चेक करने की बारी आई, हम यूजर पे गए। तो पहले हमें दोबारा आईपी एड्रेस जानना होगा, क्योंकि 22 का जो आईपी एड्रेस है वो देखना होगा हमें। तो इस वक्त अब जरूर इन्हीं से क्लोज करते हैं, अपने डीएफएस भी सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका आईपी है 192.168.0.22। तो यूजर के पास चलते हैं, पहले पिंग कराते हैं, इसको चेक करते हैं कनेक्टिविटी है या नहीं है, मतलब ऐसे ही हम करने लग गया तो फिर तो हो रही है 192.168.0.22 कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब हम एक्सेस करते हैं,
होल्ड अप। ये हमारा था जहाँ DFS हमने स्टार्ट किया है, एक्सेस आ गया। अब ये देख रहे हो, ये जो है ये 22 का भी एक्सेसिबल कर रहा है, जो पर्टिकुलर जो एक्सेस था, और ये जो मेन जो हमने शेयर होल्डर बनाया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सिस सिस डीएम पे चलते हैं। ठीक है, ये इसलिए एक्सेस कर नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि आप ये देखो, अगर मैं इसको डोमेन में डाल देता हूँ, मैं जैसे मैं अगर इसे रोशन डॉट कॉम डोमेन में डालूँ, क्योंकि ये भी कारण इसका मुझे आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये जो है इस डोमेन में एडेड नहीं है, ये मतलब ये एक रैंडम कंप्यूटर है जो किसी उसके पर्टिकुलर मतलब उसके नेटवर्क में कनेक्टेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये जो यूजर है ये भी इसके डोमेन में ऐड होना चाहिए, मतलब, और इसको मैंने डोमेन में ऐड नहीं किया, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि चेक तो करना बनता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हम प्रॉपर्टीज में इसमें आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा और 17 देना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सेसिबल हैं, जैसे सर्वर भी सारा एक पर्टिकुलर डोमेन में एडेड है, तो ये यूजर को टेस्ट करने के लिए भी उसे डोमेन में ऐड होना पड़ेगा, तो वो यही कारण था कि डोमेन में ऐड नहीं था और ये एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो इस यूजर का मैं चेंज ही कर देता हूँ। स्टिल इन द वर्क, दैट इज द रीजन। रोशन डॉट कॉम करके देखते हैं। ओके, यार क्या हो रहा है? क्या कर दिया मैंने? ओहो, 22 जाएगा। स्टेम बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। रोशन डॉट कॉम, तो ये सारी मिस्टेक जो है आप लोग भी करोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कभी आईपी गलत डालना, कभी मतलब डीएनएस का नाम ही चेंज कर देना, तो होता है ये। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हम और सर्वर पे चेक कर लेते हैं जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है, तो 19 पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। 192.168.0.22, ये आ गया। यहाँ पे आप इसके टेस्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। 22 पे चेक कर लिया हमने, तो ये जो है ये फुलफिल हो रहा है। ये सारे जो है आपस में फोल्डर चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन डीएफएस फोल्डर ये है, तो सिर्फ पर्टिकुलर ये वाला जो आईपी है, ये जो आईपी एड्रेस जो है, सिर्फ ये आईपी एड्रेस जो है, इसे एक्सेस करके सारे फोल्डर के हम पाथ एक्सेस कर पा रहे हैं। आई थिंक यूजर वाला स्टार्ट हो गया होगा। इसका लोकल चेंज हो गया है, ये हो गया। तो ये था फंडा, डीएफएस का फंडा ये था कि डीएफएस कैसे काम करता है, डीएफएस का फंडा क्या है। तो यहां से हमने नेम स्पेस क्रिएट किया, उसके शेयर फोल्डर एक्सेस किए, तो क्या क्या किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम रेप्लिकेशन के बारे में चेक करेंगे, डीएफएस रेप्लिकेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज डू कॉमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो दैट आई कैन एनहांस माई स्किल एंड आई कैन डू वेल इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।